नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इंडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और पहला वनडे, तीन वनडे की सीरीज की शुरुआत होने जा रही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के इस मैच के साथ। टीम है यहाँ पर जो रैंडम बनाई है, कोशिश की है बेस्ट करने की। टेस्ट में जीता इंडिया, T20 में जीता इंडिया, क्या वनडे में भी जीतेगा? चुना था टेल्स को इंग्लैंड, फिर जीतता हुआ टॉस। गेम में भी मैंने जितना टप बना सकता था पिच बनाई है डे 5 हैवी क्रैश के साथ, और बैटिंग में आ रहा है इंग्लैंड इस वक्त। तो इस वनडे सीरीज का हो रहा है शुभारंभ मार्कस गेन के साथ, जो कि स्ट्रेट में ऑफ में जाती हुई चार की तरफ, फील्डर का लंबा चेज, पांड्या गेन के पीछे दो निकाल के ले गए इंग्लैंड। 20 ओवर के बाद 95 पे तीन। वनडे मैच है तो डेफिनेटली वापसी का चांस रहता है। अगर खराब शुरुआत हो, अच्छी शुरुआत हो तो उसे और बढ़ाया जा सकता है। ये फायदा है वनडे का। रूट और बटलर खेल रहे हैं गेंदबाजी में, विकेट सभी गेंदबाजों को सिवाय पंड्या को छोड़ के। 5 ओवर के स्पेल के बाद मिड में आए हैं ओवर करने, एक नया स्पेल लेकर बैकफुट पर खेला शॉट, बटलर का ये शॉट जा जाता है स्पेल से। बॉल टू बॉल 70 तक ठीक है, 70 का स्ट्राइक रेट ठीक है, उससे कम जाता है तो वनडे में भी उसे थोड़ा सा वीक आ जाएगा। दो का कॉल दिया जरूर, पर वापस गए बटलर। लेकिन पे चार, उसके बाद काफी ग्राउंड शॉट्स, मिस फील्डिंग कोहली से, वो भी दो में कन्वर्ट हो गई है। थ्रो नहीं, आउट तो नहीं कर पाएगा, कोहली को ही दिया थ्रो ऊपर से। आता वो आखिरी गेंद बैक फुट पे, ये फिर से वही पहली वाली गेंद को दोहराया, एग्जैक्ट वैसा ही शॉट बैक फुट पंच स्क्वायर से चौक। 31 में 15, बहुत बढ़िया गेंद उंगली की थी, थोड़ा सा सरप्राइज हुए थे खिलाड़ी, अपनी कोशिश में सफल हुए इस बार। रूट को आउट किया जा सकता है, दबाव उन पे बढ़ रहा है, थोड़ा सा धीरे हो गया है उनका। और ये लीजिए, यहाँ पर फ्लिक के साथ स्लिप से आना पड़ रहा है फील्डर को रोकने के लिए। तीन नहीं, दो उंगली के साथ हम है तैयार। स्ट्रेट में खेला शॉट और ये होगा कैरी, उसमें कोई शक नहीं, ड्रॉप तो नहीं होना चाहिए, लेकिन शॉट फ्रंट फुट पर खेला है बटलर ने, 7100 के ऊपर स्ट्राइक रेट भी शॉट के साथ। आधा मैच पूरा हुआ नहीं, इंग्लैंड को बिल्डअप करने की जरूरत है, यहाँ पर एज लग सकती थी, क्रॉस करने में सफलता मिली गेंदबाज। आखिरी गेंद और आखिरी गेंद का अटेम्प्ट कर रहे थे पड़े, बैटन लगता है बैटन से परहेज कर रहे थे, लेकिन चली गई चल। एक ओवर एक विकेट, ये गेंद आ गई बल्लेबाज की रेंज में और चार। पहला गेंद 21 रन, फिर से गुगली में, इस बार सफलता इस मामले में मिली कि बड़ा नहीं लगा दिया शॉट। 18 गेंद 21, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया यही एफर्ट डालने होंगे फील्डिंग में, अभी यहां सफलता के चांस है। गेंदबाज पहले सेशन का आखिरी ओवर बड़ा हिट, पिछली बार अटेम्प्ट किया था लास्ट गेंद पे हिट करने का ये शॉट, लेकिन इस बार थोड़ा सा बैक फुट वाला गेंद था, इस बार आया बुल्ला से चार के लिए खेला इस बॉक्स में। पिछले ओवर मैडन के बाद फाइनली हिट कर ही दिए रन, इसमें किया परिवर्तन उसी लाइन पर दी सीधा हिट, बीट हुए फील्डर तो रन आ सकते हैं लेकिन नहीं अभी के लिए नहीं। यहाँ पर भी थोड़ा धीरे शुरुआत करते हुए, यहाँ पे स्टॉक्स जनरली इस तरह के एटीट्यूड वाले प्लेयर माने नहीं जाते, डॉट गेन एक बार फिर। आखिरी सेशन पहुंचते पहुंचते यहाँ तो इंग्लैंड की हालत खराब, और 212 पे 9, मुझे तो लगा आएगी नहीं मेरी गेंदबाजी, लेकिन फाइनली करण और आदिल रशीद के सामने हमें मौका मिलने वाला है गेंदबाजी का। गेंदबाजी में अटैक हुआ है चहल का, ले गए 2 विकेट और नटराजन को 1, सिराज और कुमार भी 1-1 ले गए इस सेशन के बीच में। इसमें कोई शक नहीं कि जल्दी से जल्दी आउट करना चाहते हैं, बॉडी पे लगकर छूट गई गेंद, मत से 4 विकेट ले सकते हैं, आज के दिन के सबसे सफल गेंदबाज बन सकते हैं। 2 खिलाड़ियों ने 2 विकेट लिए, रन आउट, कीपर की तरफ थ्रो दे रहे हैं, कह रहे हैं गलत डिसीजन, शायद कीपर की तरफ भी दे रहे। रशीद इस वक्त स्ट्राइक पर लगा दिए, सफलता लगा दिए, कोशिश की थी पहली गेंद पर भी करण ने, लेकिन नहीं आया था बल्ले पे, इस बार 4 विकेट किया है, एक्स्ट्रा रन आ रहे हैं, निराश तो नहीं होंगे गेंदबाज, जो उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ ओवर गया नहीं। दूसरी तरफ से गुगली का अटेम्प्ट जा रही है, गैप में हिट, लास्ट गेंद पर भी रन निकाल के ले जा रहे हैं, ऊपर से 2 के लिए दौड़ भी गए हैं, ये खराब फील्डिंग हमारी पड़ेगी, एक्स्ट्रा रन भारी पड़ गया यहाँ पर। 47th ओवर, एज एज तो नहीं थी लेकिन बैक फुट से थोड़ा सा ऊंचा हो गया था गेंद खेलने के बाद। रशीद एक्चुअली बस तेज गेंदे करते हुए ऑफसाइड पर बड़ा हिट, ये और फाइनल से जा रहा है, फाइनल से छेदे के जा रहा है, अब क्या स्क्वायर फाइनल स्क्वायर फाइनल, ये अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा,
काफी अजीब सा, और पैरों पे लग के गया। जल्दी ये गेंद पैरों पे टकरा कर हाफ पे जानी चाहिए थी, सिली पॉइंट हो गया, फाइन लैग, सिली लैग हो गया, पर उसके अलावा नहीं। तेज गेंद फिर से वही फुल शॉट, ये भी गैप में लग रहा है, ये भी गैप में लग रहा है, फील्डर के रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। थोड़ी सी धीरे हुई थी गेंद, रन आउट का चांस नहीं, वापस चले गए, बहुत तो मजा आता। अब लग रहा है इस मैच में जान आई है, फिर से गैप है, फिर से दो के लिए ले रहा है अटेम्प्ट, क्या कर रहा है फील्डर। ग्राउंड इतना बड़ा लग नहीं रहा, पर जब जाती है गेंद तब बड़ा लगने लगता है, अजीब सा। यॉर्कर का अटेम्प्ट लग नहीं रहा कि 10वें विकेट के लिए, नहीं मतलब नहीं, मतलब नहीं, चलो अच्छी बात है रन नहीं लिया। गेंदबाज रोटेशन में साथ गड़बड़ हुई थी, आपके पास बड़े खिलाड़ी बड़े गेंदबाज बचे हैं नहीं, टॉप नटराज या कोई और, चार से शुरुआत नहीं ओवर की, पार्टनर से 50 की 10वें 11वें विकेट के लिए, 10वें विकेट। करण ने भी हाथ खोलना शुरू कर दिया है, एक और चौका जाएगा बल्ले से, जी नहीं, पर लॉन्ग का ये गेंद रन पर बॉल में विकेट भी दिख रहा है। रशीद किसी का विकेट मिल जाए अभी तो, मेरे लिए विकेट इंपॉर्टेंट है, कैच कॉल जरूर है, लेकिन बैक डीप में जाएगी गेंद, एक रन के लिए है, 38 को आसानी से बीट कर ले। स्टैंडर्ड गेंद, लेग स्पिन होगी, एज लगी, फायदा नहीं कुछ। पंड्या 49 मतलब कि 50th ओवर करेंगे चहल, बढ़िया गेंद, बढ़िया पेस के साथ, पेस का वेरिएशन जारी है, एज में कन्वर्ट किया इस गेंद को, दोनों गेंदें बढ़िया, और ये रन आउट का मौका हो गया, मेरे ख्याल से हो गया, किस्मत के भरोसे मिला है चांस, यहां पे रन आउट कितना इंटरेस्टिंग होगा। ये देखिए पहले थ्रो पेगा, उनके फीट पे लगी, घायल थे, लेकिन घायल शेर भाई क्या करता है, अटैक किया फिर से, और फिर थ्रो लगी है सीधा स्टंप पे, और आउट हुए रशीद। ये रिप्ले तो बता रहा है, ये रिप्ले क्लियर कर दे रहा है सारे डाउट, डाइव लगाते तो बच जाते, पर शायद एआई ने इनके साथ भी दाव कर लिया, डाइव दूसरे एरिया में लगा दी होगी शायद, अलाउड हो सकता था और जल्दी, बैटिंग से निराश होंगे अपने इंग्लैंड की टीम, ये तय है। इंडिया के लिए ये आसान टोटल लग रहा है, शुरुआत इंपॉर्टेंट होगी, हो सकता है 45 ओवर तक पहुंचे भी ना, हाई स्कोर की बात करें बेस्ट हो रहे हैं टॉप स्कोर, अंत में जो 10वें विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई है 11वें खिलाड़ी और 10वें खिलाड़ी के पीछे, वो गेम चेंज कर सकती है अगर ये स्लो पिच निकली या बैटिंग के लिए और टफ निकली तो। विकेट में 3 के साथ चहल टॉप के, और चेज है अब इंडिया के लिए 239 का। इंडिया के लिए शुरुआत हो रही है माउंटेन, और साथ में माउंटेन जैसे हिट करने वाला हिटमैन शर्मा। मैच का पहला गेंद है, बैकफुट पर से खेला इसको, स्क्वायर पे लिया है, एक रन, ठीक है, इंडिया बेहतर नजर आ रहा है इस सिचुएशन में, 120 गेंदों में 120 रन, 3 विकेट कोहली खेल रहे हैं, कोलेश राहुल यहां पर खेल रहे हैं, चंद्र कुमार यादव जिन्होंने डेब्यू किया था आज 23 करके आउट हुए, और धवन 50 चूक चुके हैं। गेंदबाजी में रशीद 2, आर्चर 1। ऑफसाइड पे एक बड़ा गैप दिख रहा है, उसके बीच में से खेला था ये शॉट, 2 देगा तो देगा, 3 नहीं हो पा रहे, मिड विकेट पे गैप दिख रहा है, लेकिन काफी ऊंची गेंद उसको भी खेला है, बढ़िया फील्डिंग, सीधी बात है, 3 बचाए, एक बार फील्डिंग कमाल की थी करण ने, बॉलिंग में आए हैं, पहली गेंद पे 2 निकालेंगे हम लोग, ग्राउंड बड़ा है, ग्राउंड 38 में छोटा लग रहा है, लेकिन ऐसे बड़ा है, चलिए 2 निकाल, वेट कर रहे हैं एक शॉर्ट पिच ऑफसाइड गेंद का, लेकिन लगातार लेग साइड ओवर थ्रो होगा, मैं तैयार हूं, दूसरा दौड़ा दिया, ये 4 मिलेंगे ओवर थ्रो के, कोहली के हिस्से में, फिर से दूर ऑफसाइड पर, टाइमिंग बेहतरीन है, क्राउड बता रहा है, आउट का आवाज ही बता रहा है कितना परफेक्ट था ये शॉट। कोहली वर्सेस स्टॉक्स, बैक फुट पे अभी भी नहीं मिल रहा गैप, ये गैप भी मुश्किल है, नहीं अच्छा हुआ 2 के लिए मैंने कॉल दिया था। राहुल देने काफी बढ़िया 7, पहली बाउंड्री अभी भी वेट जा रही है, बैक फुट पर से निकलेगा 2, मैंने पहले क्लियर कर दिया कि इस ग्राउंड पे मतलब चौके लगाना इतना आसान नहीं है, वनडे के नजरिए से परफेक्ट इनिंग खेलते हो, टाइमिंग देखिए तुरंत चला गया डीप, मैदान में आसान नहीं है डीप तो। इस वक्त कोहली गेंद मिल गई थी जो मुझे चाहिए थी, कब से वेट कर रहे थे, लॉब डेट नहीं खेल पाए, इस बार थ्रो बहुत वीक है, 2 आ जाते, लॉब डेट के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी सारी गेंदें बिना जरूरत ही नहीं है, क्लासिक कवर ड्राइव राहुल की, मैंने रन दौड़ाना छोड़ दिया, विश्वास है शॉट पे सफल होगा, 4 रन, सामने की तरफ थोड़े बहुत चांसेस हैं, वरना मैं स्ट्रेट पे था, कोहली को भारी पड़ा, आउट हुए हैं, करण ने इग्नोर है और 2 कैच किया है, अपने ही रन अप पे आसान नहीं होता, मैं कहता झुकी हुई पोजीशन में था, इसीलिए ध्यान रखना है कि एक लंब अभी भी विकेट खोना यहाँ से भारी पड़ा है इंडिया को, याद रखना है ये ओपन प्ले में क्या होगा कोई नहीं जानता, आगे इससे कोहली का ये विकेट गेम चेंजिंग पे हो सकता है, 4 गिर गई ये विकेट इंडिया की, बनते हुए राइट लेफ्ट की जोड़ी आते ही पंत ने लॉब डेट से शुरुआत की, अपने स्टार्ट में खेलेगा ये बंदा, बंद के सामने एक बार फिर ओवर दो विकेट आ रहे हैं, लेकिन इस बार बीट कराने में सफलता मिली है, अपील बनती नहीं थी, ऑफसाइड जा रही थी, चेशन की आखिरी 2 गेंद सेम हालात, बंद फिर से वही लाइन पे बीट हुए हैं और पैरों पे लगी गई,
राहुल तैयार, बहुत बाउंसर की थी ये वाइड, ये वाइड है, जाइज का इंसिंग हो गया और एक रन भी हमने निकाले एक्स्ट्रा। आखिरी गेंद इस गेंद इस सेशन का नॉर्मल खेला है हमने, इस बार हम अग्रेसिव लॉफ्टेड नहीं लिया, तो मतलब 166 पे रुका इंडिया। 45 ओवर तक तो चलेगा ही नहीं मैच, इसलिए हमने थोड़ा सा पहले इसको रोक दिया है। अभी अभी आउट हुए यहाँ पे राहुल और पंड्या आए नए खिलाड़ी के रूप में और जीत से सिर्फ 12 दूर है। मैं और पहले रोक सकता था लेकिन ये इनिंग बढ़ती गई, मुझे लगा हो सकता है साथ 45 ले जाए, लेकिन नहीं हो पाया, इंग्लैंड नहीं ले जा पाया वहां तक। तो पंत और पंड्या खेल रहे हैं इस वक्त और अब जिम्मेदारी है 12 रन का। स्पिनर अली स्ट्राइक पर लॉफ्टेड, भारी पड़ा, भारी पड़ा, भारी पड़ा, पंड्या शून्य पे आउट। बहुत जबरदस्त फ्लाइट कराई थी गेंद, पता लग गया था गलती हो गई है बॉटम। अब ये थोड़ी सी जल्दबाजी, जल्दबाजी क्या, थोड़ा अलग दिखाना चाहते थे गेम पे, थोड़ा फास्ट करना चाहते थे हम लोग, लेकिन प्लान चौपट हुआ है क्योंकि दो गेंदों में दो विकेट निकाल रहे हैं अली। बढ़िया, हैट्रिक तो नहीं ले पाएंगे, हैट्रिक नहीं ले पाएंगे, ये तो पहले से ही डिफेंसिव शॉट। अंत अभी मैदान में है लेकिन इस ओवर में रिस्क से परहेज करेंगे हम लोग। पहला रन इस सेशन का 11 दूर, इंडिया इस वक्त क्लोज बनता हो वो भी रन आउट के लिए। सीधा गेंद, सीधा शॉट, गेंदबाज के पास पिचका के डॉट, जानबूझ के उकसा रहे हैं यहां पे लॉफ्टेड खेलने के लिए। मेरे कैसे एक ही लेना था, कौन जा रहा है, कोई गेंद लेने ही नहीं जा रहा, इसका फायदा हमने उठाया लेकिन पंत खतरे की साइड होंगे, निकाल लिए दो नजदीक से। फील्डिंग में बदलाव, स्पेयर लेग पे रखा, कहां जा रहा है शॉट, कहां जा रहा है, मिड विकेट खेल रहा था, कैच आउट हो गए पंत, यहां पर विकेट नंबर 7 जमा था हुआ इंडिया, गड़बड़ हो रही है, जीत तो जाएंगे लेकिन इस तरह से नहीं जीता ना। हम चाहते थे यहां से यार हमको वन साइडेड वन एफर्ट, मतलब छक्के चौके लगाते, दो गेंदों में फिनिश करते, कोशिश वही थी लेकिन तेज गेंद पीछे, मतलब थोड़ी सी बाउंस हुई है गेंद गिरने के बाद, तो इसलिए बॉटम बॉटम हैंडल सा लग गया है। पंत आउट 40 मिनट में, इंग्लैंड अगर यहां रन बनाया होता तो फिर तो बहुत टफ होता, बहुत टफ होता, यहां फिर से बीट हुए हैं। आर्चर तैयार, ऊंची गेंद अटेम्प्ट किया इसको खेलने का, पॉइंट पर से ओवर थ्रो, फायदा नहीं, फिर से भैया इस बार भी सीधा रन दौड़ने के लिए आते होते लेकिन ना का खेलना चाहते हैं स्विप शॉट और खेला है अच्छे तरह से, दो अब निकले, रनिंग वीक लग रही है चहल की तो, खास करके सिराज तो फिर भी ठीक थे और निकाले दो, तो 5 करने हैं डेफिनेटली, कोई गलती यहां से नहीं करेंगे। क्विक सिंगल 30 यार्ड पर था तो फील्डर, लेकिन पता था कि वक्त लग जाएगा और एक रन निकालने, सिराज ने वही किया। दीवार बना दी गई है, नहीं शॉट नहीं, बहुत दूर थी ऑफ साइड पे गेंद, फिर से स्टांस लेंगे यहाँ पर चहल, अली की गेंद है इस बार दूर है, लॉफ्टेड ले रहे हैं और कैप पोजीशन में जा रहा है, चार गया अगर तो जीत जाएगी इंडिया, जी हां चहल के चौके से जीती है इंडिया, चहल का चौका और 1-0 की लीड इस फाइव बॉल क्रिकेट लीग में, फर्स्ट सीरीज में कह दो आप, वनडे सीरीज में, तो हमारे गेम प्ले में 1-0 से जीता है इंडिया। अंत में ये बात तो क्लियर कर दी कि रन अगर ज्यादा बनाता इंग्लैंड तो फिर भाई कुछ भी हो सकता था, अभी भी यकीन नहीं हो रहा रहेंगे कप्तान को अभी भी फील्डिंग सेट कर रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशन यहाँ पे हो चुका है, जा रहे हैं पवेलियन में हार के इंग्लैंड के खिलाड़ी, इंडिया ने जीता ये मैच 3 विकेट से। मैन ऑफ द मैच यूजी चहल, ऐसा लग रहा है चौके को मारने के लिए ही दे दिया इनको, चौके लग नहीं रहे थे बड़े बड़े प्लेयर से और यहाँ पर पॉइंट पर से चौका लगाया इन्होंने, 3 विकेट निकाले हकीकत में, तो इसलिए मैन ऑफ द मैच मिला है। और राहुल रहे टॉप स्कोरर, 50 से चूके थे धवन, मिड ऑर्डर में देख सकते हो पंत ने अच्छा खेला, वहाँ अगर वो 38 की जगह सिर्फ 8 रन होते 20 रन होते तो ये 20 रन 25 रन बनाने में हालत तो ख़राब होती। जो भी है जैसा भी है, रियल मैच कुछ घंटों के बाद शुरू होगा, देखते हैं कितना मिलता जुलता रिजल्ट आता है और हाई स्कोरिंग होता है कि नहीं, क्योंकि हमारे गेम प्ले में काफ़ी लो स्कोरिंग रहा है, इस गेम में भी 280 तो जाना चाहिए था, 270-280 तो देखते हैं। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ विदा, अपना ध्यान रखिए, आप लोग खुश रहिए भाई, लाइक कर देना यार वीडियो को, अगर नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, बाकी खुश रहिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड डे, टाटा।